ഓണം കേരളത്തിന്റെ ആഘോഷമാണ്. ആ ഓണത്തിനെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കുന്നത്. ആ ഓണത്തിനെ പറ്റി രാജാ മഹാബലിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നു. മഹാബലി ഒരു അസുര ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു. Hardly 2 months are there, you are going home. So I am sure that you are carrying back home good news. यूनान मिस्र और रोमा सब मिट गए इस जहाज से, मगर अब भी बाकी है नाम और निशान हमारा. कुछ बात ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे समान हमारा. अलामा इकबाल ने ठीक ही कहा है, रोम ग्रीक इजिप्शियन सब मिट गए इस जहाज से, मगर हम पे कुछ ऐसी खास बात है जिससे हम कभी मिटेंगे नहीं. अजना भावश भारत हिंदुस्तान इंडिया नाम बदलते रहेंगे, लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा है वो हमेशा अमर ही रहेगा. हमने अपनी संस्कृति और परंपराओं का अच्छे से देखभाल किया है. भारत सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान शुरू किया है, पर पहले से ही नवोदय विद्यालय समिति में स्थानांतरण चलते आ रहे हैं. तो चलिए यूपी के कुछ दोस्तों से जानते हैं कि उन्हें क्या इससे कोई फायदा मिला या नहीं. माइग्रेशन की शुरुआत सभी लोगों को बहुत उदासी रहना पड़ता है, क्योंकि अपने घर छोड़कर माँ बाप को छोड़कर इतना दूर आना है और यहाँ रहना पड़ता है. लेकिन अभी तो आप लोग इधर पे एक साल बीत रहा है, यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस कैसा है? हम लोग माइग्रेशन हम लोग का निकला था तो छुट्टियाँ स्टार्ट हुई थी. 2 महीने के लिए घर पर गए थे तो सभी लोग घर के लोग यही सोचते थे कि आप तो 1 महीना एक साल जाना ही जाना है. हम लोग भी बहुत दुखी रहते थे कि 1 साल के लिए घर से दूर चले जाएंगे. जब वहाँ से यहाँ पर आए तो हमारा स्वागत किया गया, प्रिंसिपल मैडम ने हमारा स्वागत किया. उसके बाद से रूम में भी गए तो हमारे जो सहपाठी थे उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की यहाँ पर एडजस्ट होने में. फिर उसके बाद से हम लोग तो वहाँ पर क्लस्टर की छुट्टियाँ थी और ओणम की छुट्टियाँ थी. क्लस्टर में तो ऐसा ही कि गेम्स में टाइम बीत गया. फिर ओणम की छुट्टियों में हम अयप्पा टेम्पल और पेरियार घूमने के लिए गए. तो दो तीन महीने तो बीतने में समय ही निकला. फिर घर पर गए थे 1 महीने के लिए. घर से आए तो फिर अभी लगा कि अभी 5 महीने हम लोग यहाँ पर रहना ही रहना. फिर यहाँ पर 3 महीना बीत, अब 3 महीना बीत चुका है, अब केवल 2 महीने हम लोग रहना है. अभी लग रहा है कि समय बीतने में टाइम नहीं लगता है. जैसा कहा जाता है कि समय चलता ही रहता है, कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता. वही ठीक वही हुआ है. और अब 2 महीने बचा है हम लोग यहाँ पर रहने के लिए. 2 महीने से अधिक तो रह नहीं सकते, बहुत दुखी है इस बात के लिए. केरला के बारे में आप लोगों को क्या कहना है, क्या किसी जगह घूमने के लिए गया? हाँ, हम लोग जितने भी दिन केरल में रहे सारे दिन हम लोगों ने ऐसा मुझे महसूस हुआ कि कुछ ना कुछ सीखा और बहुत अच्छे अच्छे अनुभव कलेक्ट किए हैं. और हम लोग यहाँ पे बाहर में घूमने भी गए थे लोग, जैसे कि सेंट फ्रांसिस चर्च, चराय बीच और मरीन ड्राइव. और हम लोग जानते हैं कि यात्रा से हमें कई प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं, तो हमने भी वहाँ से कई तरह की अनुभव प्राप्त किए लोग. और फिर हमें आके यहाँ अलग तरह की संस्कृति सीखने को मिली और अलग भाषा भी सीखने को मिली. और हमें यहाँ पे जो भी चीज़ें नई देखने को मिली, इससे हमें ऐसा महसूस हुआ कि अगर हम पुनः फिर यहाँ आए तो हम अच्छी तरह से यहाँ पे ढल सकते हैं और फिर हमें आगे कोई परेशानी नहीं होगी. भाषा के बारे में बताएं तो हमको पता है कि मलयालम बोलना थोड़ी सी मुश्किल बात है और मलयालम सीखना भी मुश्किल है.
लेकिन तुम लोगों में किसी मलयालम सीखने के लिए कोशिश किया होगा ना? मलयालम में कोई भी ओणम के बारे में बताओगे? ഓണം കേരളത്തിലെ ദേശീയ ഉത്സവമാണ്. രാജാവ് മഹാബലിയുടെ ഓർമ്മക്കായി ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നു. ഓണത്തിൽ എല്ലാവരും പുതിയ വസ്ത്രം ധരിക്കും. ഓണം यहाँ पर लेकिन जब हम आए तो पहली बार इस त्यौहार को देखे गए यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया गया. ये हमें बहुत अच्छा लगा. अब तुम लोगों में से किसी क्रिसमस के बारे में मलयालम में अपने एक्सपीरियंस के शेयर कर सकते हो? क्रिसमस क्रिस्तियानी कल्डे ഇന്ന ദിവസം നാം യേശുവിൻ്റെ പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നു. ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി രാത്രി സാന്താ ക്ലോസ് വന്ന് നമുക്ക് സമ്മാനം നൽകി എന്നോരും വിശ്വാസമുണ്ട്. എല്ലാം കൂടി ക്രിസ്മസ് ഒരു സന്തോഷമായി. बाकी लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करो क्रिसमस के. हमने पहले क्रिसमस के बारे में सुना था. यहाँ पे आके देखिए कैसे मनाया जाता है. हमने कभी इंतजार नहीं देखा था ऐसे कैसे मनाया जाता है हमें पता नहीं था. लेकिन यहाँ पे आए तो पता चला कि वहाँ ऐसे इंतजार बना के सारे घरों के सामने लगाया जाता है. यहाँ पे ये रस्म है. हमने कभी सेंटा क्लॉज नहीं देखा था बस ऑनली पिक्चर में देखा. यहाँ पे आपकी जो है जो ज्योति सर उनके द्वारा एक सेंटा क्लॉज बनाया गया वो हमने देखा. वो हमको पता ही नहीं था कैसे वो टाला गया था लेकिन फिर उनसे पता चलने की कोशिश की. बट उन्होंने कहा इससे गिल है. फिर हमें बहुत अच्छा लगा सेंटा क्लॉज. उनका पिक मैंने घर पर भेजा. शायद सबको अच्छा लगा. फिर यहाँ पे हम फ्री टाइप का था उसमें बच्चा मुझे पता नहीं चला कैसे ही बनाया गया. फिर शैडो मैंने देखा कैसे बनाया मुझे अच्छा लगा. फिर अंदर आया तो बाहर देखते दो बड़ी टाइप के मुझे बहुत अच्छे लगे. फिर अंदर आए तो हमने बैठा और फिर यहाँ पे देखा मुझे बहुत अच्छा लगा. यहाँ पे आके हमको ये देखने को मिला कैसे क्रिसमस मनाया जाता है. मैं बहुत अच्छा लगा यहाँ पे कैसे क्रिसमस मनाते हैं. और हमने लाइफ स्टडी पर पढ़ाई कर रहे थे मिस में हमने सुना उस दमदम की आवाज़. हमने नहीं जानते थे कि ये क्या है. हमने सबसे पूछा तो क्रिसमस के दो तीन दिन पहले ये मनाया जाता है. और फिर हम लोग बाहर निकल के तो एक भैया सेंटा क्लॉज बने हुए थे उनसे हमने मिला. वो डांस किए हाथों से हाथ हैंड सब किए बहुत अच्छा लगा. आप लोग सब होम स्टे के लिए गए थे आपके एक साथी के घर पे. वहाँ पे कैसे लगा हमारे लोग के बारे में और हमारे घर के बारे में और घर के वातावरण वो सभी में क्या एक्सपीरियंस हो गया? हमें होम स्टे में बहुत अच्छा लगा. मैं पहली बार किसी दक्षिण भारतीय के घर पे गई थी. हम अमृतांजलि के घर पे गए थे. यहाँ का घर हमारे यहाँ के घरों से कुछ अलग तरीक़ों से बनाया गया था. घर के किनारे पे गार्डनिंग की गई थी. हमारा वहाँ पे अच्छे से स्वागत किया गया. हमें वहाँ हमने सबसे पहले बड़ों का पैर टच किया क्योंकि हमारे यहाँ का ये संस्कृति है. हमें चाय पीने के लिए दिया गया. फिर उन्होंने हमसे कुछ मलयालम में बातें की. हमें कुछ थोड़ा बहुत मलयालम आता है हमें उतना समझ में आया. हमने अपना इंट्रोडक्शन दिया. फिर वहाँ पे एक पुली था उन्होंने हमें खाने के लिए दिया. बोला कि ये शुगर है. और फिर जब हमने खाया तो बहुत खट्टा था. हमने बहुत तरह का एक्सप्रेशन दिया और फिर हमें बहुत अच्छा लगा. फिर अमृतांजलि ने अपने घर के बारे में बताया कि केरल में कैसे कैसे घर बनाए जाते हैं. यहाँ पे थोड़ा ढलाव टाइप के छत होते हैं ताकि बारिश का पानी आराम से गिर सके. फिर वहाँ पे कुआं भी था. हमने
कुआं से कुछ पानी भी निकाला। मैंने पहली बार कुएं से पानी निकाला था। यहाँ के खाना और वहाँ के खाना दोनों में बहुत सारा अंतर होगा। आप लोगों को यहाँ के खाना पसंद आया? यहाँ के कौन सी खाना आपको बहुत पसंद आया, कैसे बन रहा है सीखने के लिए कोशिश की? अपम, हमने कही उपमा और पायसम, ये हम लोग को बहुत पसंद है सभी। और बाहर में गए थे छुट्टियों में तो ट्राई किया, और यहाँ के लड़कों से पूछा था, हमने रजत सविन सेलिन लोग से पता किया तो बताया कि अपम और कैसे चावल से बनता है, और उपमा वगैरह का भी बताया। तो उपमा का तो हम सब सेम, हम लोग जैसे वहाँ पर हलवा बनाते हैं हम सब वही विधि है, बस थोड़ा नमक और सब्जियाँ डाल देते हैं। और भी कई डिशेस को ट्राई किया मैंने इंटरनेट से सर्च करके, उतना परफेक्ट तो बना नहीं लेकिन फिर भी ट्राई किया। अगर आप लोगों को एक मौका मिला तो यहाँ आने के लिए मन करोगे? हाँ। तो इनकी बातचीत से हम पता चलता है कि माइग्रेशन पॉलिसी वे लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और नवोदय विद्यालय समिति के स्थानांतरण की योजना इतना अच्छा है कि बच्चों को अपने दूसरे स्टेट के कल्चर और ट्रेडिशन को अधिक जानने के लिए एक अच्छा मौका मिलता है। तो माइग्रेशन की पॉलिसी ज़रूर कायम ही रहना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत।